A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am a teacher from Shivaji Group of Institutions. We welcome you all in the online classes. Students, this is your English language period, and as we know that we are reading chapter number 11, pronouns. And as we know that this chapter we have already completed in your audio session. Now, this one is a recall session of your audio classes. Chapter number 11, pronouns. And for this, you have to open your book at page number 46. 46 to 49, okay. Here are the pronouns. Pronouns are the words which we use instead of nouns to avoid repetition. Means pronoun ऐसे पढ़ते जो हम noun के लिए तो use करते हैं, उसका repetition हटाने के लिए. Just like we are reading anything. Vicky is a good boy. Vicky always comes to school in a proper timing. Vicky is good in study. तो बार बार ये Vicky ना बोल के हम Vicky की जगह pronoun का use कर सकते हैं उसको denote करने के लिए. Just like Vicky is a good boy. He comes to school in a correct timing. He studies well. Okay? Like this. So he, she, it, this, that, etc. are the pronouns that we use instead of nouns. Okay? Just like example, Vicky is standing, and instead of Vicky, we can use he. He is standing. Okay? He is a pronoun. And he pronoun we can use for boys, she for girls, it for any non-living things, so animals and birds. Okay? So come to the possessive pronoun. Possessive pronoun indicate possessive ownership or relationship of a person, things to another thing or person. Means possessive pronoun, ownership or possession means ki ye hamara hai aur ye iska इसको मैं पजेस करता हूँ. कि किसी दो चीज़ों के बीच में हो सकता है, दो पर्सन के बीच में हो सकता है, पर्सन या फिर थिंग के बीच में हो सकता है. ओके, जस्ट लाइक योर्स मीन्स दिस पेन इज योर्स. ये उसका पोजीशन बता रहा है ना कि उसका पोजीशन है कि ये पेन उसका है. ओके, सो जेंडर ऑफ प्रोनाउंस. अब हम लोग जैसे कि नाउन के जेंडर्स हो गए हैं, वैसे जेंडर ऑफ प्रोनाउंस भी हो गए. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आई, मी, माइन, यू, योर्स, वी, आर, अस. मींस जो फर्स्ट पर्सन जो मैं हो गया, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट पर्सन आई, मी, माइन. ओके, और जब हम सामने वाले से बात करें तो उसके लिए हम यू, योर्स. ओके, ये यूज करेंगे. और जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, मींस ही, शी, इट, दे, दोस, दिस, दैट. ओके, ये सब हमारे जेंडर ऑफ प्रोनाउंस है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, सो दीज आर द जेंडर ऑफ प्रोनाउंस एज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द प्रोनाउंस एंड you can go through your PDF for your queries. Thank you so much and have a great day. The aeroplane is flying to Hong Kong.
और एरोप्लेन कहाँ जा रहा है? हांगकांग की तरफ। आफ्टर सम टाइम द एरोप्लेन इज हाईजैक्ड और उसके कुछ देर बाद ही एरोप्लेन हाईजैक्ड होता है। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू एवरी पैसेंजर इन द एरोप्लेन इज फीलिंग। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसके बाद जब प्लेन हाईजैक होता है तो सारे पैसेंजर्स की फीलिंग क्या होती है। ओके, ज़ोया बोर्डेड द एयरप्लेन, शी हर्ड अ वेरी स्वीट वॉइस, प्लीज शो मी योर टिकट नाउ, सेड द एयर होस्टेस। जैसे ही ज़ोया ने बोर्ड किया प्लेन पे तो वहाँ पे एक बहुत उसको स्वीट सी आवाज़ सुनाई, प्लीज शो मी योर टिकट नाउ। क्या अपना टिकट दिखाया तो किसकी आवाज़ थी? एयर होस्टेस की आवाज़ थी। प्लीज कम द साइड नाउ, ज़ोया सेड। तो ज़ोया ने कहा प्लीज कम द साइड नाउ, थैंक यू एंड द सीट। ओके, मींस जब एयर होस्टेस ने बोला प्लीज कम टू दिस साइड, मींस आप इधर आइए, देन ज़ोया सेड थैंक यू एंड हैव सीट। ओके, और वो अपनी सीट पे बैठ गए। जस्ट देन देयर वाज अ नॉइस एज वेल एज अ फ्लैश मैसेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द एलईडी। और उसी के बाद एक मैसेज फ्लैश करता हुआ एलईडी स्क्रीन पे आ गया और एक वॉइस आई कि इट वाज डियर पैसेंजर्स, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। इट वाज द वॉइस ऑफ द कैप्टन ऑफ द एयरप्लेन, मींस कि डियर पैसेंजर्स अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध लो। ये किसकी आवाज थी? एयरप्लेन के कैप्टन की आवाज थी। ज़ोया वाज सिटिंग इन द थर्ड रो, ज़ोया कहाँ बैठी हुई थी? थर्ड रो में बैठी हुई थी। हर सीट वाज नियर द विंडो और उसकी जो सीट थी वो विंडो के बगल में थी। शी वाज एंजॉयिंग द सीनरी आउटसाइड, और वो बाहर का नजारा बहुत एंजॉय कर रही थी। द प्लेन वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, और प्लेन बिल्कुल क्लाउड्स के पास हो रहा था और बहुत ऊंचा था, जो कि चाइना की बिल्डिंग से भी ऊंचा लग रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था। ओके, इट वाज टू फार अवे फ्रॉम द टॉल एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स ऑफ चाइना एंड हार्बर। लंच वाज सर्व्ड टू एवरीबॉडी, फिर सबको लंच सर्व हुआ, सबको ज़ोया वाज ईटिंग। तभी ज़ोया उसे खा रही थी अपना लंच। सडनली ही सॉ टू मेन गॉट अप फ्रॉम देयर सीट्स एंड मूव्ड टू द पॉकेट। तभी उसने जब लंच कर रही थी वो, तभी उसे अचानक देखा कि दो पर्सन उठते हैं और कॉकपिट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ऐसे नॉर्मली कॉकपिट पे पायलट्स के या फिर कैप्टन या एयर होस्टेस के अलावा जाना मना होता है सबको, लेकिन वो सडनली दो पर्सन उठे और कॉकपिट की तरफ मूव कर रहे थे। वन ऑफ देम वाज वेरी टॉल, उनमें से एक लोग बहुत लंबा था। ही एम्ड एट द पायलट, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट मैन इन कॉकपिट। उसने पायलट की तरफ एम किया और पायलट ने देख के बहुत चौंक गया था कि ये सब क्या हो रहा है, कॉकपिट में ये लोग कैसे आ गए। ही सेड व्हाट्स द मैटर, हाउ डिड यू कम हियर। उसने पायलट ने पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। द मैन सॉरी ही सेड व्हाट्स द मैटर, हाउ डिड यू कम हियर। द मैन ऑर्डर्ड द पायलट इन चाइनीज टू डू समथिंग। तभी वो जो मैन था हाईजैकर वाला, उसने ऑर्डर दिया उसको कुछ चाइनीज वर्ड्स में जिसे वो समझ तो नहीं पाई हुआ। द को पायलट ट्राई टू मूव फ्रॉम हिज सीट। तभी को पायलट वहाँ से उठने के लिए ट्राई करने लगा एंड इट वाज ऑफ नो यूज, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा उसका उतना, न वो उठ पाया। द सेकेंड मैन होल्ड हिम टाइटली, तभी उसे दूसरे आदमी ने जोर से जकड़ के पकड़ लिया। द फर्स्ट मैन गेव अ स्लिप टू द पायलट, तभी फर्स्ट मैन ने पायलट को स्लिप दी एक। ही ओपेंड इट एंड सॉ, उसने उसको खोला और देखा उसमें लिखा हुआ था कीप गोइंग एंड फ्लाई टू हांगकांग, कि चुपचाप रहो और हांगकांग की तरफ प्लेन को ले चलो। द पायलट हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन पायलट के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था उनकी उनकी बात ना मानने के अलावा। ही नॉडेड, उसने अपना सर हिलाया धीरे से। अबाउट 10 मिनट्स वर पास्ट, 10 मिनट गुजर जाने के बाद ज़ोया वाज वेरी एक्साइटेड, ही वांटेड शी वांटेड टू नो व्हाट दोस टू मेन वर डूइंग इन द पायलट्स रूम एज नो वन वाज अलाउड टू एंटर इन द कॉकपिट। वो जाने के लिए बहुत क्यूरियस थी, बहुत एक्साइटेड थी कि वो दो हैं कॉकपिट के अंदर कर क्या रहे हैं। जब किसी को अलाउ नहीं हो रहा है कॉकपिट पर जाना, तो दोनों पायलट्स रूम में क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो उनसे। सडनली शी हर्ड द कैप्टन्स वॉइस, तभी उसने अचानक से कैप्टन्स की वॉइस को, मीन कैप्टन की वॉइस को सुना। एक आवाज़ आई, दिस इज कैप्टन शर्मा, कि मैं कैप्टन शर्मा हूँ एंड आर एयरक्राफ्ट इज हाईजैक्ड बाय टू हाईजैकर्स, प्लीज डोंट पैनिक, आई विल डू एवरीथिंग टू इंश्योर योर सेफ्टी। तो कैप्टन शर्मा ने बोला कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हाईजैक हो चुका है वो हाईजैकर्स के थ्रू, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जान बचा सकूँ या फिर आपको सेव कर सकूँ। ओके, आपको दिस वी हैव कंप्लीटेड इन आवर ऑडियो क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड
up to this, and rest of the chapter we will do in our